प्रिय मित्रों, व्याख्यान की श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिलाओं के बारे में, वैदिक काल में और आधुनिक समय में महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं का समाज में क्या स्थान था और क्या होना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं, आजकल हमारी सरकारें भी बहुत चर्चाएं करती हैं विमेन एम्पावरमेंट, उसके लिए महिलाओं के लिए कानून भी बना के ला रहे हैं, महिलाओं को अधिक से अधिक जो स्थान है नौकरियों में देने का प्रयत्न भी किया जा रहा है और महिलाओं का समाज के अंदर भी उनके अधिकार सुरक्षित रहें, इस पर भी बहुत चर्चा होती है। परंतु एक इस सब में एक समझने की बात है, एक विषय बहुत ही समझने का है कि हमारे देश में जो भी होता है, जो पॉलिसीज बनती हैं, जिस प्रकार का हम कार्य करते हैं, वो हमारा अपना नहीं होता है। हमें कहीं पीछे से रिमोट कंट्रोल के द्वारा हमारे देश की सरकारों को गाइडेंस दी जाती है कि सारी दुनिया में वीमेन एम्पावरमेंट की बात है, आप भी करिए, तो हम भी करने लगते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में जानते नहीं कि हम कौन हैं, हम क्या थे, हमने क्या किया था। तो एक अंधी अंधी दौड़ है, और जो भी हमारी सरकारें आती हैं वो वही काम जो पीछे से मिलता है, आदेश सबको मिलता है, और वो वही काम करते हैं, वही प्रोग्राम यहाँ चलाए जाते हैं, चाहे कोई भी व्यवस्था हो। इस पे भी हम अलग अलग विषयों पे धीरे धीरे बात करेंगे। तो ऐसा ही महिलाओं की व्यवस्था के बारे में है। अब देखिए, यूरोप में, पश्चिम में और यह विश्व के अन्य देशों में महिलाओं की स्थिति अलग है और भारत में अलग रही है। भारत में प्राचीन काल में जो नियम कानून बनते थे वो सब वेद पर आधारित थे, वैदिक दृष्टि वहाँ पर होती थी, और आधुनिक भारत में जो नियम कानून बनते हैं वो सारी जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी दृष्टि है, क्योंकि वो कहते हैं कि जिसके पास धन होता है वही श्रेष्ठ, वही बुद्धिमान, वही अपनी धुन भी बजवाता है। तो विकसित राष्ट्र जो आज पश्चिम के हैं या अमेरिका है, तो वो विकसित हैं तो वो बुद्धिमान भी ज्यादा है, और उनमें धीरे धीरे अच्छी समझ जो उत्पन्न हो रही है वो हमें भी इंप्लीमेंट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हमारी तो ऐसी समझ नहीं थी, हमने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। तो पश्चिम ने महिलाओं के बारे में क्या सोचा और हमने क्या सोचा, और उसका मूर्त रूप, उसके उदाहरण भी चाहिए ना, हमने सोचा ही नहीं, उसको मूर्त रूप भी दिया है वैदिक संस्कृति में। पश्चिम में अरिस्टोटल से लेकर के और इस 20वीं शताब्दी तक महिलाओं की क्या दृष्टि, इसको हमें समझना होगा। अरिस्टोटल ने कहा था, वह कहता था कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती है, आत्मा केवल व्यक्ति के अंदर होती है, पुरुष में होती है, महिला में नहीं होती है। और वही अवधारणा, क्योंकि जो आपके दार्शनिक मूल्य हैं, जो आपके दार्शनिक उत्प्रेक्षण हैं, वही आपकी नीतियों का, आपके विचार का, आपके सामाजिक दर्शन का आधार बनते हैं। तो उसी दर्शन को लेकर के पूरा यूरोप आगे बढ़ा, हजारों साल तक, 2000 साल तक चलता रहा, और 1950-60 तक के दशक की यह बात थी, ये मानता रहा यूरोप कि महिलाओं में आत्मा नहीं होती है, इसलिए बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हुआ महिलाओं के साथ। ऐसी भी स्थिति थी यूरोप के अंदर कि महिलाएं बैंक में खाता भी नहीं खुलवा सकती थी,
और ये तो हमने भी देखा है जब हम छोटे होते थे बचपन में, क्योंकि जब से भारत पर विदेशी लोग आए, उन्होंने कुछ शासन किया, यहाँ पर आक्रमण किए, तो हमारी जो संस्कृति थी, जो मूलभूत संस्कृति थी, वो नष्ट, पूर्णतया नष्ट यदि न भी हुई हो तो बहुत ज़्यादा विकृत अवश्य हो गई। वो जो कि तो नहीं बनी रही, जैसा उसका स्वरूप था वैसी संस्कृति नहीं रही। हमने बहुत से मूल्य उनसे ग्रहण किए, बहुत सी बातें उनसे ग्रहण की, कोई ज़बरदस्ती भी की, कई बार नकल में भी किया, जैसे भी धीरे धीरे वो परिवर्तन आया इस राष्ट्र के अंदर भी। तो जब मैं छोटा होता था, मैं देखता था कि जैसे महिला और पुरुष मजदूर काम करते थे, तो पुरुष मजदूर को जैसे 100 रुपये यदि मिलते थे तो महिला को आधी पारितोषिक मिलता था, आधा मिलता था। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन इस देश में भी हुआ जब से ये मुस्लिम आक्रांत आए, जब से अंग्रेज आए, यूरोप के लोगों ने यहाँ पर खूब दबिश दी, तब हमने भी ये खूब किया, क्योंकि हम उनको देख के चलते थे। तो धीरे धीरे जन जागृति आने लगी और महिलाओं के अधिकारों की बात उठने लगी, क्योंकि जो प्रबुद्ध राष्ट्र हैं, जो धनी राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वो अपने आप को बुद्धिमान भी ज़्यादा समझते हैं। तो उन्होंने सोचा कि भाई महिलाओं को अधिकार दिए जाए, उनको बराबर का अधिकार हो, तो उनके बैंकों के में खाते उन्होंने खुलवाए, और भी अधिकार देने स्टार्ट किए, धीरे धीरे नियम कानून बनते गए। ऐसी ही स्थिति भारत में रही। तो यूरोप की स्थिति अलग है। ईसाइयत में महिलाओं को कोई सम्मान नहीं था। आपने देखा मदर टेरेसा को संत की उपाधि नहीं मिली, बहुत दिनों के बाद 15-20 साल लग गए तब उसको सेंट की उपाधि दी गई, क्योंकि महिला संत नहीं हो सकती है, महिला में तो आत्मा ही नहीं थी उनके दार्शनिक विचारधारा के अनुसार। इस्लाम में देखिए महिलाएं अपनी मस्जिद में नहीं जा सकती हैं, उनको एक वस्तु के रूप में लिया जाता है, व्यक्ति के रूप में नहीं, कोई जीवित व्यक्ति के लिए नहीं, उनको साधन माना जाता है, वस्तु के रूप में माना जाता है। और उनकी दृष्टि से भारत, भारतीय समाज में भी बहुत विकृतियां आई। यहाँ भी काफ़ी मंदिर किसी न किसी रूप से महिलाओं के लिए बंद, कहीं खुला, कहीं ये सब विकृतियां उनको देख के हमने भी किया। तो ये सारा जो सिस्टम है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम पश्चिम के तर्ज पे अपने आप को इम्प्रूव करें अंधाधुंध, उससे अच्छा है कि हम अपने भारतीय जो वैदिक दृष्टिकोण है, वैदिक दर्शन है, उसको पहले ही अपना लें, ताकि जो पश्चिम है या सारा जो विश्व है हमसे, हमारे से शिक्षा ग्रहण करें, हम नेतृत्व करें पूरे देश का। हमारे बड़े बड़े नेता ये तो बात अवश्य करते हैं कि भारत ये था, महान था, परंतु जो महानता थी इस राष्ट्र के अंदर उसको मानता कोई नहीं, इम्प्लीमेंट कोई नहीं करना चाहता। तो अब फिर मैं उसी महिलाओं के प्रश्न पर आता हूँ, वैदिक काल में, वैदिक दर्शन में महिलाओं का क्या स्थान है। देखिए वैदिक काल से ही महिलाएं विदुषी होती थी। वेदों में ऋषिकाओं का भी नाम आया है, गार्गी, मैत्री, कात्यायनी, ऐसी ऋषिकाएं हुई, जैसे ऋषि थे ऋषिकाएं भी हुई। और महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं माना जाता था। वस्तुतः महिला को पुरुष से अधिक महत्वपूर्ण स्थान था। यदि महिला और पुरुष की बात होती थी तो महिला प्रथम स्थान पे थी और पुरुष अगले स्थान पर था। उपनिषद का एक वाक्य है, कहता है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। जिस जो व्यक्ति सही ज्ञानी बनना चाहता है तो उसको पहले उसकी पढ़ाने वाली उसकी विदुषी माता, फिर उसका विद्वान पिता और अच्छा आचार्य हो, तो ऐसा व्यक्ति
बहुत ज्ञानी बनता है। आगे और कहा है उपनिषद में ही, कहता मातृ देवो भव, माता को देवता की तरह मानो, पितृ देवो भव, पिता को देवता समझो, और आचार्य देवो भव, आचार्य को भी देव समझो, क्योंकि आचार्य आपको ज्ञान देने वाला है। माता आपको जन्म भी देती है और ज्ञान भी देती है। पिता आपको संरक्षण करता है आपका और आपको अच्छे संस्कार भी देता है, और गुरु तो ज्ञान का संस्कार देता है। तो इसलिए आचार्य देवो भव, सबसे पहले माता का मुख्य स्थान है। अगर दुनिया में किसी विशिष्ट चीज की तुलना की गई है वेद में, तो माता के साथ की गई है, पुरुष के साथ नहीं, महिला के साथ की गई है। भूमि माता पुत्रो अहम पृथिव्या, आर्या ईश्वर पुत्र, वेद कहता है जो सभी श्रेष्ठ लोग हैं वो ईश्वर की संतान है, और आगे फिर कहता है ईश्वर की बराबर तुलना में रखता है। भूमि माता, कहता भूमि तो माता के समान है, पुत्रो अहम पृथिव्या, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं। तो महिला को प्रथम स्थान है, एक बहुत बड़े धर्मशास्त्रकार भारत में हुई सबसे पहले, जिनका नाम मनु था, वो स्वयं लिखते हैं मनुस्मृति में, कहते हैं नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। कहता है जिस घर में, जिस समाज के अंदर नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का निवास होता है। जहां पर नारी का अपमान किया जाता है वो घर नष्ट हो जाता है। तो ऐसा समाज, ऐसा दर्शन जो महिला को प्रथम स्थान देता हो, ऐसा दर्शन, ऐसी संस्कृति जो महिला को सम्मानजनक पद देना चाहता हो, और जिस राष्ट्र के अंदर जितने भी देवता हैं उतनी ही देवियां हैं, देवियां ज्यादा हैं, देवता कम है। देखिए कुल देवी हर जगह, माँ नवरात्रों में भी सब जो फैमिली डिटीज हैं उनकी पूजा करते हैं नववर्ष के प्रारंभ से ही। तो वह राष्ट्र जिसमें जितने देवता हैं उनसे ज्यादा देवियां हैं, वह राष्ट्र जहां पर कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वह राष्ट्र जहां महिलाएं भी युद्ध में साथ जाती हूं दशरथ के साथ कही कही गई, वह राष्ट्र जिसमें महिला के कहने से पिता अपने पुत्र को वनवास दे देता हो, ऐसा राष्ट्र जहां महिलाओं को अग्रणी स्थान प्राप्त हो, और ऐसा राष्ट्र पश्चिम से पूछता है और महिला एम्पावरमेंट की बात करता है, ये बड़े खेद का विषय है। हम या तो अपने आप को पहचानते नहीं, या हम सचमुच ही अपने संस्कारों को, अपने जो हमारा राष्ट्रीय चरित्र था वैदिक काल का, प्राचीन काल का, हम उसको भूल गए, हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते। तो महिलाओं का जो संबंध है आधुनिक विश्व में, आधुनिक विश्व से ही भारत भी आधुनिक विश्व का अंग है, तो और वैदिक युग में कहने का अभिप्राय यह है, यदि हम वैदिक सिद्धांतों को मानते हैं, वैदिक मान्यताओं को मानते हैं, वैदिक दर्शन को अपने जीवन पद्धति का आधार बनाते हैं, तो आधुनिक युग में उत्पन्न होने वाली जितनी समस्याएं हैं, उग्रवाद की समस्या हो, युद्ध की समस्या हो, महिलाओं की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, आर्थिक तंगी की समस्या हो, सबका समाधान किया जा सकता है। यदि हम कुछ कार्य करना चाहते हैं तो हमें उस दर्शन को अपनाना होगा। जब हम उस दर्शन को जीने लगते हैं, दर्शन को दर्शन
का दर्शन करने लगते हैं, दर्शन की दृष्टि बना लेते हैं, तो वैसा ही सृजन स्वतः स्टार्ट हो जाता है। कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्योंकि जो आपके दर्शन में है, जो आपके संस्कारों में है, वही फलीभूत होता है। भारतीय दार्शनिक सिद्धांत है कि जो आपके मानसिक मन के अंदर जैसा संस्कार है वैसा ही सृष्टि होती है। इसलिए सृष्टि मानसी सृष्टि है। जैसा ब्लूप्रिंट आपके संस्कारों में है, सभ्यता का, संस्कृति का, व्यवहार का, वैसा ही आप करते हैं, वैसा ही आपको दिखाई देता, दूसरा नहीं हो सकता है। इसलिए जो भारतीय दार्शनिक परंपरा है, जो वैदिकी परंपरा है, हमें उसको अपनाना होगा, उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, और तभी ये राष्ट्र अपना जो वास्तविक स्वरूप है उसको प्राप्त कर सकता है। वो योग दर्शन में कहा है, बहुत सुंदर कहा है, चित्त वृत्ति निरोध है तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। कहता है जब व्यक्ति अपनी चित्त को बाहर घुमाने से, बाहर जाने से विड्रॉ कर लेता है, अपने चित्त को बाहर ज्यादा नहीं भगाता, विड्रॉ कर लेता है, रोकना नहीं, विड्रॉ करने की बात कहता है, विड्रॉ कर लेता है, तो कहता है स्वरूपी अवस्थानम, तब उसका जो चित्त है वह अपने ट्रू स्वरूप को, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगता है। और यदि चित्त बाहर भागता है तो कभी अपने आप को किसी चीज़ से आइडेंटिफाई करेगा, कभी अपने आप को शरीर से करेगा, कभी अपने आप को किसी भौतिक वस्तु से आइडेंटिफाई करेगा, भ्रमता रहता है। और जब वह बाहर से विड्रॉ करता है अपने आप को, तो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। और कहता है यदि चित्त की वृत्ति का निरोध नहीं होता, विड्रावल नहीं होता, तो फिर क्या होता है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। अन्य अवस्था में चित्त जैसी वृत्ति है ना, उसके अनुरूप ही उद्भावनाएं करता है। तो यही हाल इस भारत राष्ट्र के साथ भी है। यहाँ की सरकारें, यहाँ का तंत्र सब बाहर भागता है और अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहता है बाह्य राष्ट्रों के साथ, विकासशील राष्ट्रों के साथ, कि हम जीत, हम इनके जैसा बनेंगे, उनको आदर्श मानता है। इसलिए कभी विकास को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी पहचान छोड़कर दूसरों के पीछे दौड़ता है, वह कभी अपने आप को विकसित नहीं कर सकता है। कोई भी कौवा हंस नहीं बन सकता है, और हंस कौवा नहीं बन सकता। आप वही बन सकते हैं जो आप हैं। आपको अपने सामर्थ्य को, अपने पोटेंशियल को पहचानना होगा और आप उसको आगे बढ़ाएं, तो उसी स्वरूप में आप आ सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आपके डीएनए में है, आपके संस्कार में है। उसको आपको बदलना होगा, उसको आपको आगे बढ़ाना होगा, आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। जो नकल की व्यवस्था है, दूसरों को देख के आगे बढ़ने की व्यवस्था, उससे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो कहने का यही अभिप्राय है कि हमें सब कुछ पश्चिम की दृष्टि से अपने आप को न देख करके अपने वास्तविक स्वरूप को हमें पहचानना है, और उसी दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है। उसी से इस राष्ट्र का कल्याण हो सकता है, उसी में हमारे राष्ट्र के लोगों का भी कल्याण हो सकता है। तो हमारा बहुत सुंदर राष्ट्र है, वहाँ एक बड़ा भारी प्रचार हुआ इस देश के अंदर कि महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जाता था। ये सब जो दोष इस देश के अंदर आए, प्राचीन काल में नहीं थे। जब से इस्लामिक आक्रमण हुआ, जब से यूरोप के लोग आए, तब से इस देश की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था चरमराई, महिलाओं की स्थिति खराब हुई, और विघटनकारी तत्व इस समाज में उपजे हैं और विचारधारा इस समाज के अंदर उत्पन्न हुई। 1835 तक लॉर्ड मैकॉले ने जब अंग्रेजी शिक्षा लागू की, उससे पहले की बात है, अंग्रेजों ने सर्वे कराए इस देश के अंदर, लुडलो कैशल और विलियम एडम्स ने सर्वे किए, और उन्होंने बताया
उनकी सर्वों से पता लगता है, सर्वेक्षणों से पता लगता है कि इस राष्ट्र के अंदर 90% से ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे, महिलाएं भी गुरुकुलों में पढ़ती थी, बच्चे भी गुरुकुलों में, सब लोग गुरुकुल में पढ़ते थे, कोई अशिक्षित नहीं था इस राष्ट्र में। तो इस शिक्षा के बारे में अलग से एक चर्चा करेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमें जो हम हैं, जो हमारा राष्ट्र था, जैसी हमारी संस्कृति थी, उसको अपना करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हम पश्चिम की नकल से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप कितने ही टारगेट सेट करें कि इतने इस वर्ष में ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि यह राष्ट्र जैसी इसकी संस्कृति है, जैसा इसका सिद्धांत है, जो इसका दर्शन है, उसी को अपना के आगे बढ़ सकता है। दूसरों की नकल से कोई आगे कभी न बढ़ा है और न बढ़ सकता है। तो ये राष्ट्र महिलाओं को सम्मान देने वाला राष्ट्र है। इस राष्ट्र में महिला को पुरुष से, व्यक्ति से अधिक सम्मान था। पुरुष और महिला का प्रश्न तो यूरोप ने पैदा किया, पश्चिम के देशों ने पैदा किया, इस्लाम ने पैदा किया। हमारे यहाँ पुत्र शब्द से अभिप्राय पुत्र और पुत्री दोनों से है। संस्कृत में शब्द है संतान, वो कोई पुत्री और पुत्र के लिए नहीं है। जिसके यहाँ पुत्र का अर्थ मतलब पुत्र या पुत्री होता है, उसको भी पुत्री कहते हैं। यहाँ संस्कृत में पुत्री का अर्थ है संतान वाला व्यक्ति, पुत्र वाला व्यक्ति। तो पुत्र का अर्थ केवल सन नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी और बेटा दोनों को मिला के ही हमने पुत्र कहा है। तो ऐसी व्यवस्था इस राष्ट्र में रही जिसने कभी डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं। आशा है ये व्याख्यान भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा।